2024 के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। प्लान ऐसे करेगा काम कि नहीं मिल सकती मार। प्लान से विरोधियों की तय हो जाएगी हार। जी, बीजेपी को वैसे भी सियासी खेल में मात देना इतना आसान नहीं है और इसका उदाहरण हम 2014 और 2019 के चुनाव में देख ही चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने एड़ी चोटी का जोर तो खूब लगाया था। हाँ, इंडिया नाम का संगठन नहीं बनाया था, लेकिन हाँ, विपक्षियों ने नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ी थी। इस बार भी वही हो रहा है, लेकिन लग रहा है जैसे राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के बल पर पीएम मोदी ने खुद को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है और अब शायद इसी के सहारे बीजेपी 2024 फतह करने की तैयारी भी कर रही है। कैसे, चलिए समझते हैं कि आखिर हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और मोदी के चेहरे पर बीजेपी 2024 में हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। पहला, हिंदुत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि नरेंद्र मोदी के ही सत्ता में आने के बाद से हिंदुत्व की बात ज्यादा क्यों होने लगी? इससे पहले तो जैसे लोग हिंदुत्व की बात करने से कतराते ही थे। इन 9 सालों में पीएम मोदी ने अपने कामकाज और अपनी सरकार के बलबूते पर हिंदुत्व को मजबूत किया है, लोगों में हिंदुत्व को लेकर विश्वास पैदा किया है, हिंदुत्व का मतलब समझाया है। उसी का असर ही तो है कि सेक्युलर कही जाने वाली पार्टियों में भी बीजेपी से भी बड़ी लकीर खींचने की होड़ है। तभी तो कहा जा रहा है कि ये मुद्दा बीजेपी के चुनाव अभियान में सबसे प्रमुख रहने वाला है। आपको याद हो तो राम मंदिर आंदोलन से हिंदू हृदय सम्राट की छवि बना चुके यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि को बीजेपी ने जब हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया तो साफ कर दिया कि चुनाव से पहले वो हिंदुत्व की अपनी राजनीति को धार देगी और पूरे जोर शोर के साथ देगी। अरे, एनडीए की तो वो सरकार है, नरेंद्र मोदी की ही तो वो सरकार है जिसने अयोध्या, मथुरा, काशी के जैसे सभी तार छेड़ दिए। अयोध्या तो ऐसा छेड़ा कि 2024 में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। बाकी काशी में भी शिवलिंग मिलने के दावे किए ही गए हैं, सर्वे किए जा रहे हैं, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर। फिर सीएम योगी तो कह ही चुके हैं कि कैसे चीख चीख कर ज्ञानवापी की दीवारें इसे मंदिर बता रही हैं। देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। ज्ञान बापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहां साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं, मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेस है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहां बने हुए, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है, और उसके बाद भी हम जानबूझ करके। देखिए, एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे, जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। मथुरा में भी जन्मभूमि से लगी शाही ईदगाह का सर्वे कराने के लिए कहा गया है। जानकारों का मानना है कि यूपी जैसे बड़े राज्य के जटिल जातीय सामाजिक समीकरण साधकर बीजेपी अगर लगातार चुनाव में 60 से ज्यादा सीटें जीतने में सफल रही तो इसके पीछे राम मंदिर और हिंदुत्व का अहम योगदान माना जाएगा। दूसरा, राष्ट्रवाद। बीजेपी का राष्ट्रवाद किसी से छिपा नहीं है, ये बीजेपी के राष्ट्रवाद का ही तो असर है कि बीजेपी का देश से प्यार सर्वविदित हो गया है। यहाँ तक कि बीजेपी ने तो देश प्रेम की भावना को जन जन में बढ़ा दिया है, लोगों को देश से मोहब्बत हो गई है, देश की अहमियत समझ में आने लगी है। राष्ट्रवाद को लेकर आक्रामक रही बीजेपी ने इसे और धार देने के लिए हर घर तिरंगा, तिरंगा रैली, मेरी माटी मेरा देश जैसे अभियान शुरू किए हैं।
सरकार पहले से ही देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृतकाल मना रही है। 14 अगस्त को देश विभाजन की वजह से जान गंवाने वालों की स्मृति में विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई है। विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि 2019 में मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक काम कर गई। कश्मीर से 370 हटाकर बीजेपी ने राष्ट्रवाद की नींव पर अपनी लोकप्रियता की इमारत और बुलंद कर दी। आतंकवाद पर जो जीरो टॉलरेंस की नीति एनडीए सरकार ने अपनाई हुई है, उसी का परिणाम है कि पीएम मोदी लाल किले से सीना ठोक कर कह सके कि अब सीरियल धमाकों की खबरें जैसे बीते दिन की बात हो गई। तीसरा, डंके की चोट पर फैसले लेने वाली सरकार। ये तो देखने में आता ही है कि कैसे पीएम मोदी और बीजेपी के नेतागण एनडीए सरकार के राज में देश हित में लिए गए फैसलों को गिनाना कभी नहीं भूलते। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से मुक्त किया, नोटबंदी, जीएसटी, पुलवामा के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये सब फैसले बीजेपी के फेवर में गए हैं। ये ऐसे फैसले हैं जिन्हें लेना बहुत कठिन था, उसके बाद भी बीजेपी ने ये फैसले लिए और डंके की चोट पर लिए। चौथा, प्रशासनिक मॉडल। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक नारा दिया था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। बीजेपी के इस मॉडल के साथ ही अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार का बुलडोजर मॉडल भी जुड़ गया है। सख्त प्रशासन के रूप में बीजेपी की रणनीति यूपी में खूब काम कर रही है। योगी की सख्त इमेज बीजेपी के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। पांचवा, ब्रांड मोदी। 2014 के बाद अब 2024 का चुनाव आने वाला है और बीजेपी इस बार भी अपने पुराने स्टाइल में ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। ब्रांड मोदी को ही आगे बढ़ाती दिख रही है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा, अगले साल फिर आऊंगा। मैंने परिवर्तन का वादा किया था, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के द्वारा मैंने इस वादे को विश्वास में बदल दिया। कठोर परिश्रम किया है, देश के लिए किया है, शान से किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि इस भाव से किया है। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया, परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। पीएम मोदी ने कहकर जता दिया कि वो अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। पीएम मोदी ने कहकर साफ कर दिया कि 2024 के चुनाव में भी वो ही बीजेपी और एनडीए के प्रधानमंत्री पद के चेहरा होंगे। ये एक तरह से उन लोगों को पीएम मोदी का सीधा जवाब था जो उनकी उम्र को देखते हुए बीजेपी को उसी का 75 साल वाला नियम याद दिलाते हैं। पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी हर राज्य से वोट जुटाने में सफल रहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की ही बात करें तो बीजेपी को करीब 50% वोट मिले थे। सर्वे कहता है कि बीजेपी को वोट करने वालों में से करीब 18% लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर ही पार्टी को वोट किया था। अब ऐसे में अगर पीएम मोदी के सामने विपक्ष राहुल गांधी को खड़ा कर देगा तो राहुल गांधी तो मुश्किल से ही विपक्ष के चेहरे के तौर पर चुनाव जीत पाएंगे। हाँ, उनकी लोकप्रियता कम नहीं है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी के मुकाबले भी नहीं है। पीएम मोदी की लोकप्रियता की बात हुई या फिर प्रशासनिक अनुभव की, राजनीतिक कौशल की, इन सब में तो राहुल गांधी पीएम मोदी के सामने कहीं खड़े नजर नहीं आते। ये 5 वजह शायद बीजेपी के सामने विपक्ष को कमजोर दिखाने के लिए काफी हैं। विपक्ष को ये बताने के लिए काफी हैं कि आप चाहे हाथ पैर खूब बांध लीजिए, लेकिन फिलहाल बीजेपी के सामने विपक्ष फीका ही है। बीजेपी के इन प्लस पॉइंट्स पर पिछले 9 साल में काम के बल पर बीजेपी की कमाई गई उपलब्धियों को देखकर आपको क्या लगता है? क्या विपक्ष इस चुनाव में बीजेपी के सामने खड़े होने का जरा सा भी काबिल है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।